खबर बलिया से है, जहां यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे हैं। बलिया में अफसरों के साथ मीटिंग कर मंत्री दयाशंकर सिंह ने जन समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल जमाव की समस्या जल्द ही दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कुछ लोग अवरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलिया के विकास के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने संबंधित अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि रोडवेज की बढ़िया व्यवस्था, जल निकासी सुविधा युक्त सड़कों के साथ मेडिकल कॉलेज जैसे विषयों पर समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही जन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। आपने लिया और क्या क्या मुद्दों पे आपने बात की अधिकारियों को? देखिए, बलिया के विकास से संबंधित बहुत सारे मुद्दे थे। आज कटहर नाला से लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर के बाईपास से लेकर के ये सभी मुद्दों पर जो अभी जो सुराह ताल की पानी निकालना है या जो बरुणा ड्रेनेज को कैसे ठीक किया जाए, इस पर बहुत गहन मंथन आज 2.5 घंटा अधिकारियों के साथ हुआ है। और एसटीपी प्लांट को ठीक करना है, उसके लिए जो बजट की व्यवस्था और करना है उसके लिए भी लखनऊ से हम उसको बजट एडिशनल दिलवाने वाले हैं। और ये सभी क्या क्या कमी आ रही है किस चीज़ में, इस पर 2.5 घंटे तक वार्ता हुई है। ये दो सवाल, एक सवाल थी क्या बलिया से अब जो जल जमाव की मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, मैंने एकदम मिलेगी। कुछ उसमें जानबूझ करके कुछ लोग हैं जो कठिनाई पैदा कर रहे हैं, उस पर भी आज सख्ती की गई है। और निश्चित तौर पर जो है बलिया के लोगों को पानी जमाव से मुक्ति मिलेगी। मंत्री जी, पूर्व में जो करोड़ों रुपए क्या परिवहन निगम दुर्घटना होने पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है कि दुर्घटना होने पे परिवहन निगम उसको पे करेगा, तो क्या आप उसको? ये हम लोग करते हैं, हम लोग कोई दुर्घटना होता है मिनिमम 5 लाख रुपया, कोई भी मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया हमारा परिवहन निगम देता है। और उसके बाद जब आर्बिट्रेशन में कोई जाता है और यदि वो वहाँ से ऑर्डर करवाता है क्षतिपूर्ति के लिए, तो उसे ज़्यादा भी देते हैं। तो परिवहन निगम ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसा नहीं देता। वो एक छोटी सी उंगली भी कटती है, आपकी खरोच भी आती है, उसका भी पैसा परिवहन निगम देता है। मंत्री जी, मीटिंग में इससे पहले जो बरसात आती थी, नगर पालिका पूरे पानी हो जाता था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे, क्या उसकी भी आप जांच करेंगे जो संबंधित अधिकारी थे? कि देखिए, आज हमको भी जांच की नहीं, हमको तो पहले लोगों के यहाँ पानी के जमाव से मुक्ति कराने की बात है। पहले उनको, पहले हमारा काम है कि इन लोग पर दबाव बना करके इसको जल्दी से जल्दी काम कराएं, क्योंकि इतना खराब इसका एस्टिमेट बना है। मैं अब क्या कहूँ, इसका जो एस्टिमेट बनाते समय ये जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं कि जो जिधर से पानी आना है उसकी जो स्ट्रेंथ है ऊँची है, और जिधर पानी जाना है वो ऊँची है, और जिधर से पानी निकलना है वो नीची है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि, और उसके बाद जो कटरा नाला में पानी जाके गिरना है वहाँ पर केवल 1 इंच का रहेगा। अब बताइए, 1 इंच में यदि पानी भर गया तो उसके बाद पानी ओवरबैक आने लगेगा, तो उसका एक मैंने डाइवर्जन होना चाहिए, वो डाइवर्जन नहीं था, उसके लिए बहुत टेक्निकल बातें हुई हैं, सब इंजीनियर्स थे, उसको सुधार कर। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट।